नमस्कार, मैं गजेंद्र जाटव। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के अंबेडकर भवन में और हमारे साथ शशि भूषण जी हैं जो बहुजन मिशनरी गायक हैं और हम इनसे बात करेंगे जो साक्षी मिश्रा और अवितेश की का जो मैटर है, पूरा जो शादी हुई है उस पर नई नई चीज़ें निकल कर रही। सर, अब कहीं ना कहीं मीडिया एक तरफ पहले तो दिखा रही थी, अब मीडिया दूसरी तरफ उसको कहीं ना कहीं गलत साबित करने में लगा हुआ है। तो सर, क्या आप सोचते हैं इसमें, क्या अपराध है कि एक अगर दलित लड़का ब्राह्मण लड़के शादी करता है? देखिए, जीवन में प्रकृति का नियम है कि नर को मादा की और मादा को नर की, यानी कि स्त्री को पुरुष की और पुरुष को स्त्री की जरूरत होती है। ये मानव जीवन में नहीं, ये पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सभी को जरूरत है। इसी तरीके से इंसान को अपना जीवन साथी चुनने का एक अधिकार होता है। आप किसी भी देश में जाएंगे, पूरी दुनिया में जब आप घूमेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, जानेंगे, तो वहाँ इस तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। वहाँ जाति बिरादरी इस तरह का कोई एक परंपरा नहीं है। लेकिन इंडिया में बहुत सारी परंपराएं, मिथ्या परंपराएं, गलत परंपराएं हैं, और एक जो परंपरा जाति परंपरा यहाँ है उसमें एक ऊंच नीच की जो भावना है, उसमें जो एक मकान है जिसमें सीढ़ी जाने की नहीं है, यानी कि एक मंजिल, दो मंजिल, चार मंजिल, उसमें एक साथी दूसरी उस पर नहीं जा सकता, अपने पड़ोसी से नहीं मिल सकता, तो उसी को तोड़ते हुए इन दोनों युवल ने प्रेम विवाह किया है। और उस प्रेम विवाह को कानूनी रूप देने के लिए उन्होंने कोर्ट में भी और पूरी तरीके से वाजिब है। आज कोर्ट ने भी, कल शायद कोर्ट ने भी उनको वैध ठहराया है। जी, आप कोर्ट की बात कर रहे हो, जब वो कोर्ट में जाते हैं पीएससी के लिए, उनके ऊपर हमला हो जाता, तो क्या लगता है जो इलाहाबाद का जो प्रशासन है, या कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि कोर्ट में भी एक इंसान सुरक्षित नहीं है? देखिए, इलाहाबाद कोर्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ आपको सिर्फ एक ही वर्ग, यानी कि ब्राह्मण वर्ग, ब्राह्मण कुल ही वहाँ जज है, वही वहाँ वकील है। द्विवेदी, मिश्रा जी, शुक्ला जी, पांडे जी, सब कोर्ट में उनके ऊपर हमला होता है। वही मैं आपको बात को लेके आ रहा हूँ। देखिए, जब वही मानसिकता है, वही ब्राह्मण है, तो दर्द तो उनको होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को छूने का अधिकार नहीं था, आज वो उनकी बेटियों से शादी कर रहा है, तो उनको दुख है। चाहे वो प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे वो जज बन जाए, चाहे वो वकील बन जाए, चाहे वो कुछ भी बन जाए, मानसिकता तो वही रहेगी। दुख उसे होगा, दर्द उसे होगा, तो मानसिकता उसकी जागेगी, और जागेगी तो वो उस पर चोट करेगा, उसको दुख होगा तो वो चोट करेगा। भूषण जी, मेरे एक आपसे एक ये मैं पूछना चाहता हूँ, जो सोशल मीडिया पर जो लोग अनर्गल लिख रहे हैं, कहीं कुछ गलत लिखा जा रहा, कोई सही लिख रहा, कोई पक्ष में लिख रहा है, क्या लग रहा है? कुछ लोग तो ज़्यादा ही कुछ गलत लिख रहे हैं कि ये ब्राह्मण है लड़का और ये अब आके दलित बना है जब इसके ऊपर आया है। देखिए, ये जगाने की बात है। हाँ, जिस टाइम जग जाए आदमी, एक जाति, अगर हम देखिए खुल के बात कहें तो जातिगत तो उसको लेते हैं, एक जाति जगी हुई है, लेकिन बाकी और जाति तो जगी हुई नहीं है। जहाँ तक मुझे मालूम चला सोशल मीडिया के माध्यम से, एक नट जाति है, उस नट जाति से वो बिलोंग करता है, अवितेश जी। हाँ, अवितेश जी करते हैं, तो वो नट जाति से बिलोंग करते हैं, लेकिन अशिक्षा होने के कारण नट जाति में उनको पता ही नहीं है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। उन्हें तो जैसा बहका दो वैसे बहका दिया जाता है, क्योंकि देखिए हमारे ओबीसी में बहुत सारी जाति ऐसी हैं जिनको ये लगा दे रखा है छूट, वो राजपूत लिखते हैं। ओबीसी में लोधी जाति आती है, वो अपने आप को लोधा राजपूत कहते हैं। नाई जाति है, एक ओबीसी में आते हैं, वो राजपूत अपने आप को कहते हैं। तो ये तो उनको बहका रखा है, और वो कैसे कर रहे हैं और वो करे जा रहे हैं तो उन्हें पता नहीं है, तो मामला ये है। एक चीज़ और सामने आ रही है कि जो लड़का है अवितेश, उसके संबंध कहीं ना कहीं बड़े बड़े लोगों से हैं, और अब एक बात सामने आ रही है कि उसके मामा भी एक विधायक हैं, दूर के रिश्तेदार मामा लगते हैं। तो क्या लगता है, अगर एक आम इंसान होता तो इतनी टक्कर दे पाता, जो बात आज सामने मीडिया में चल रही, इतनी बड़ी मुद्दा? देखिए, अवितेश भी इसको टक्कर नहीं दे पाता। अगर वो सोशल मीडिया पर अपने दुख को बयान नहीं करते, और सोशल मीडिया पे जो हमारा वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग, वो उस मीडिया की उस चीज़ को, उनके उस स्पीच को, उनके दुख को अगर आगे नहीं बढ़ाते, और उधर मीडिया जो इंटरनेशनल मीडिया है वो उसको नहीं पकड़ता, तो अब तक तो उनका पता भी नहीं चलता कहाँ है। अभी तक तो उनकी खोजबीन की, गुमशुदी की रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई होती, लेकिन ये तो सोशल मीडिया। क्या लग रहा है भूषण जी, आप भी देश के कोने कोने में जाते हैं, मिशन मूवमेंट में आप काम कर रहे हैं, क्या जातिवाद और जो सामाजिक जो ताजा ढांचा है वो इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि वो किसी की खुशी को छीनने के लिए तैयार हो जाता है? देखिए, जब जाति की बात आती है तो जाति के बीच में किसी भी इस तरीके का खुशी छीनने, खुशी देने की बात नहीं होती।
और जिस व्यक्ति ने अब इस मामले को अगर यूं भी लें, अभी तेज उस घर में एक नौकर था, नौकर मैं ये नहीं कह रहा कि नौकर झाड़ू पोछा लगाने वाला ही नौकर नौकर होता है, यानी कि वहाँ एक जो लिखने वाला जो विधायक जी का टाइपिस्ट है उनका जो ओएसडी है वो भी उनका नौकर है, वो उसको नौकरी देते हैं, पेशगी देते हैं, भाई ये तनख्वाह है तुम्हारी, तो वो नौकर है। और उनके घर में परिवार से जब अगर ऐसा हो जाता है तो ऑफकोर्स उनको दर्द होगा, उनको दुख होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर आने के कारण उन्होंने अपनी बाजी पलटी कि नहीं, अपनी मेरी बेटी बालिग है, उसे अपने निर्णय लेने का अधिकार है। बल्कि जबकि साक्षी ने यह बताया है कि मेरे घर में कैसा व्यवहार होता था मेरे प्रति, ये सब जानते हैं कि अपने माँ बाप के साथ कोई इतनी बात नहीं कह सकता, उसके साथ ऐसा हुआ है तभी उसने अपना दुख बताया है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होता था। और अभी आज आज मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने साक्षी के भाई की कुछ अश्लील फोटो डाली हैं, जबकि साक्षी ने भी ये कहा है कि मैं अपने भाई की भी असलियत डालती हूँ, दो भाई हैं शायद उनके, दोनों की जानती हूँ कि वो क्या करते हैं। तो मेरा आखिरी सवाल यह है, सोशल मीडिया पर लोग बड़ा गंदा संदा लिख रहे हैं और एक चीज़ बहुत बढ़ चढ़ के आ रही है कि लोग अब लड़कियों पर विश्वास नहीं करेंगे, लड़कियों को गर्भ में ही मार देंगे, तो इससे कहीं ना कहीं एक लिंग अनुपात का भी बहुत बड़ा गिरावट आएगी, तो इसे कैसे देखते हैं आप? इस तरीके से कुछ नहीं होने वाला, और ये तो एक देखिए ये भगा के कोई लेके नहीं गया, दोनों का प्यार बढ़ा है, ये तो लव मैरिज कह सकते हैं, प्यार में मोहब्बत में मैरिज हुई है, और मोहब्बत आज से नहीं हो रही, लैला मजनू सिरी फरहाद शशि पन्नू ये सब बहुत सारे उदाहरण हैं, आज तक चले आ रहे हैं, आगे चलते रहेंगे। उस मामले जैसे ही वो मामला मीडिया में आया उससे तुरंत अगले दिन ही कुछ ही घंटों बाद फिर एक मथुरा का मामला सामने आया, एक आगरा से भी आया, हाँ क्योंकि उन्हें लगा कि उनको ऐसा करने के बाद में सुरक्षा मिल जाएगी, मिली भी, क्योंकि मीडिया में मामला हाईलाइट हुआ तो सुरक्षा मिली, इसलिए उन्होंने सोचा कि हमें भी थोड़ी सी सुरक्षा मिल जाए, तो उन्होंने दे दिया। ये बहुत सारे केस हैं, अभी तो ऐसे भी केस हैं जिन्होंने शादी कर ली है लेकिन उन्होंने घर में नहीं बताया, ये मामला तो स्टार्ट हुआ है, ये मामले तो और निकलेंगे कि पता चलेगा घर वालों को शादी तो क्या, ऐसे मामलों को ये मामला हवा देगा और उसको बढ़ावा देगा, बिल्कुल देगा, और इसमें कोई गलत काम नहीं है, अपना जीवन साथी चुनने के लिए सब लोग स्वतंत्र हैं, कोई किसी को भी चुन सकता है, लेकिन भारतीय कानून के अनुसार, बाबा साहब के दिए हुए संविधान के अनुसार सब स्वतंत्र हैं, उनके लिए सुरक्षा मुहैया कराना ये सरकार का फर्ज है, फर्ज बनता है, वो कराएं। लेकिन देखिए एक उदाहरण आपको देता हूँ कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जो अंगरक्षक थे उन्होंने ही उनको मारा जबकि वो रक्षा करने वाले थे। अब चाहे ब्राह्मण को आप रक्षक बना लो, चाहे उसको नेता बना लो, चाहे उसको टीचर बना लो, चाहे उसको जज बना लो, निर्णय तो वो अपनी बुद्धि से ही देगा, और बुद्धि में उसके वो जातिवाद घुसा हुआ है तो उसे आगे रखेगा, और आगे रखेगा तो उसी के आधार पर वो निर्णय करेगा। ज्योतिबा फूले का आपने एक बार का बताया, मैंने बताता हूँ कभी कभी कि ज्योतिबा फूले ने एक बार ये घोषणा कर दी कि हम किसी ब्राह्मण से कोई संस्कार नहीं कराएंगे और ना ही उसको पैसे देंगे, तो ज्योतिबा फूले पर ब्राह्मणों ने केस कर दिया और केस में ये डाला, और वहाँ तीन जजों की पीठ इस बात को सुन रही थी जिसमें दो ब्राह्मण थे और एक अंग्रेज जज था, और वहाँ ये बात रखी गई कि जब ब्राह्मणों ने ये कहा, फूले साहब ने ये कहा कि जब हम इनको बुलाएंगे ही नहीं तो हम इनको दान भी नहीं देंगे, ब्राह्मणों ने आपत्ति डाली, ये हमारा कर्म है, चाहे आप बुलाओ या मत बुलाओ, लेकिन अपने जन्मे उत्सव हो या मरण उत्सव हो या शादी संस्कार हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें हमारा दक्षिणा चाहिए। तो उस पीठ ने एक डिसीजन दिया कि हाँ ये बात तो सच है, वरना ये भूखे मरने लगेंगे, आप चाहे इन्हें बुलाओ या मत बुलाओ, लेकिन जो इनका बनता है वो आप देंगे। ज्योतिबा फूले ऊपर उसमें गए कोर्ट में, हाई कोर्ट में गए, वहाँ दो अंग्रेज थे एक ब्राह्मण था, जब वहाँ ये दलील रखी गई तो ब्राह्मण ने कहा कि नहीं वो ठीक है, लेकिन फूले दंपत्ति ने, फूले साहब ने एक बात अंग्रेजों से कही कि अंग्रेज से कही कि माय लॉर्ड मुझे एक बात बताइए कि जिस व्यक्ति को आप नौकरी से निकाल देते हैं क्या उसके बाद भी आप उसके घर जाकर उसको तनख्वाह देते हैं? कि नहीं, हमने निकाल दिया तो निकाल दिया, जब वो हमारे यहाँ काम ही नहीं कर रहा तो हम उसे पैसे क्यों देंगे? तो फूले साहब ने कहा माय लॉर्ड मैं यही कहना चाहता हूँ जब हम इन्हें अपने संस्कार के लिए बुला ही नहीं रहे तो हम इन्हें क्यों दें? ये मेहनत करें, ये खेती करें, ये चप्पल बनाएं, ये जूते बनाएं, ये और बहुत सारे काम कर सकते हैं, कुछ भी काम करें लेकिन अपना कमाएं, लेकिन जब हम इन्हें बुलाए नहीं तो हम क्यों दें? तो दोनों अंग्रेजों ने कहा कि नहीं बात बिल्कुल ठीक है, और उन्होंने डिसीजन दिया जब ये लोग ब्राह्मण को अपने घर किसी संस्कार के लिए बुला ही नहीं रहे तो फिर इन्हें क्यों दिया जाए। तो ये तो ब्राह्मण की बुद्धिमत्ता है जो वो ये बात इस तरीके से करते हैं, चाहे उन्हें आप कहीं भी बिठा दें, कहीं भी उन्हें रख लें, लेकिन वो अपना दिमागी खेल जरूर दिखाएंगे, दिमागी खेल जरूर खेलेंगे, क्योंकि ये उनकी फितरत है।